अभी इसके अंदर सबसे पहले हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया था, और फिर इसके अंदर हमने ये ऐड किया है, इसका नाम है भाई बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ऐड करना है और इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर पहले ही लेना है। इसको शेक करेंगे आप अच्छी तरह, तो इसके बनेंगे वाइट फ्यूम्स बनेंगे इसके 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 यहाँ पे फ्यूम्स बने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखो, हमारा पहला एक्सपेरिमेंट ये वाला, इधर वाला हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। इसके अंदर हमने भाई सबसे पहले बेंजोइक एसिड लिया, ये बेंजोइक एसिड का टेस्ट था। बेंजोइक एसिड के अंदर हमने बाइकार्बोनेट्स ऐड किए हैं। बेंजोइक एसिड सॉलिड फॉर्म में था, इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स ऐड किया, तो इसका इसके अंदर बबल्स बन गए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बबल्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा, आगे फाइक बताएगा आपको। ये हम एसडी के आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं कि हमारे पास दो एसिड होते हैं, बेंजोइक एसिड होता है और फिनॉल होते हैं जो कि एसडी में आते हैं। तो इसके लिए हम बेंजोइक एसिड का टेस्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब इसको हम बेंजोइक एसिड ऐड करेंगे तो उसमें बबल फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन होगी, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोक्लिक एसिड है। लेकिन जब फिनॉल ऐड करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, जिससे पता चल जाता है कि ये कार्बोक्लिक एसिड है, फिनॉल नहीं है। ये फिनॉल का टेस्ट किया है, फिनॉल को बाइकार्बोनेट में ऐड किया, तो जिससे ये इनसॉल्युबल है। इसमें ये पार्टिकल्स इसके अंदर आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की बबल नहीं, इसमें बबल नहीं बने, तो ये एक वीक एसिड है, ठीक है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। पहला थर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम फिनॉल को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि फिनॉल कौन सा है इसमें। फिर हमने इसमें FeCl3 का सोल्यूशन ऐड किया है, फिर उसमें हमने NH4OH सोल्यूशन ऐड किया है, जिससे इसका ब्रिक रेड कलर आ गया। फिर जब हमने इसमें फिनॉल ऐड किया है तो इससे वायलेट कलर आ गया, जो कि ये ऊपर लेयर शोर कर रही है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें फिनॉल मौजूद है। ठीक है भाई, तीन एक्सपेरिमेंट हमारे डन हो गए हैं। ओके भाई, अल्लाह।